अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूं। ये सारे के सारे प्रश्न पिछले कई वर्षों में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया करके इसे पूरा देखिएगा, सुनिएगा। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शंस आर सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल या टेंथ शेड्यूल। तो इसका सही उत्तर है टेंथ शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो है टेंथ शेड्यूल में वर्णित। आपको हमने कल एक ट्रिक बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS OFOLD और PM। अगर इस ट्रिक को आपने याद कर लिया तो बाकी जो 12 के 12 अनुसूचियां हैं वो स्वतः याद हो जाएंगी। आपको अलग से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या वर्णित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द ऑप्शंस आर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज या एग्रीकल्चर। तो इसका सही उत्तर है एग्रीकल्चर। बाकी डिफेंस भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और रेलवेज भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। और लास्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। और यह तय हुआ था केशवानंद भारती केस में, बहुत ही फेमस केस है 1973 में, कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट डज नॉट हैव सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट का पार्ट है जो कि 7th अनुसूची में दिया हुआ है? द ऑप्शंस आर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट या रेलवे पुलिस। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज रेलवे पुलिस। देखिए, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट, ये तीनों के तीनों जो है ये कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट ये तीनों के तीनों कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, लेकिन रेलवे पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि रेलवे जो है वो तो वैसे यूनियन लिस्ट में आती है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है। इस चीज का कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? पंचायती राज कौन से सब्जेक्ट या कौन से लिस्ट का हिस्सा है? द ऑप्शंस आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेसिड्यूरी लिस्ट। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज स्टेट लिस्ट। पंचायती राज जो है वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मैरिज, डाइवोर्स एंड एडोप्शन are an entry in 7th schedule of constitution under the following list? List 1 that is union list, list 2 that is state list, list 3 that is concurrent list या none of the above। मतलब कि शादी, divorce मतलब कि तलाक and adoption मतलब किसी को गोद लेना, ये कौन से लिस्ट में आते हैं? तो ये बेसिकली concurrent list का हिस्सा है। तीनों का तीनों, शादी भी, तलाक भी और किसी को गोद लेना भी, ये तीनों के तीनों concurrent list के पार्ट हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इंपोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल? एक्चुअली 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या 11th शेड्यूल। तो इसका सही उत्तर है 7th शेड्यूल। इंप्लीमेंटेशन या इंपोज ऑफ टैक्सेस एंड फीस इज रिलेटेड टू 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 7th शेड्यूल जो है वो फेडरेशन बताता है। देखिए, आपको गिनाता हूं, TEARSOF, F स्टैंड्स फॉर फेडरेशन। ठीक है, मतलब कि पावर शेयरिंग या डिवीजन ऑफ पावर। तो ये मतलब है सेवेंथ शेड्यूल के अनुसार टैक्सेस या फीस गवर्नमेंट इंपोज करती है। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर व्हिच सब्जेक्ट? द ऑप्शंस आर यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज स्टेट लिस्ट। लैंड रिफॉर्म्स जो है वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, the next question we have, which schedule of Constitution of India contains special power for administration and control of scheduled areas in several state? मतलब कि scheduled areas of several state कौन से schedule का हिस्सा है? तो ऑप्शंस आर थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ या नाइन्थ। तो इसका सही उत्तर है फिफ्थ schedule। ऑलराइट, शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ सेवरल स्टेट्स जो है वो फिफ्थ शेड्यूल का हिस्सा है। हमने आपको बताया था टीयर्स, TEARS, S स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। ऑलराइट, पांचवी अनुसूची, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। मतलब कि पंचायत जो है कौन से आर्टिकल से संबंधित है? द ऑप्शंस आर आर्टिकल 226, आर्टिकल 243, आर्टिकल 239 या आर्टिकल 219। आर्टिकल, तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज आर्टिकल 243 के अनुसार पंचायत वर्णित है। जो पंचायत है वो आर्टिकल 243 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान की किस चीज से रिलेटेड है? द ऑप्शंस आर म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप या रिमूवल ऑफ करप्शन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पंचायती राज। हमने फिर से बताया TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, मतलब कि P फॉर 11वीं अनुसूची दैट इज पंचायती राज, M फॉर म्युनिसिपैलिटी 12वीं अनुसूची, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 117, आर्टिकल 119, आर्टिकल 121 या आर्टिकल 123। तो इसका सही उत्तर है 117। आर्टिकल 117 में स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल दिया हुआ है और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी। Which one of the following article of Indian Constitution provides for all India services? All India services भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णित है? All India services। तो ऑप्शंस आर आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, 312, 313। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अंदर All India services गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं, the next, last but not the least is to which article of Indian Constitution right to vote, that is adult suffrage, for electing representative of Lok Sabha and Vidhan Sabha? मतलब लोक सभा और विधानसभा में वोट करने के लिए हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 326, आर्टिकल 325, 324 या 323। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 326। और आपको बताना है कि इलेक्शन प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दर्शाया गया है या बताया गया है, ठीक है ना। इलेक्शंस, बाकी आर्टिकल 326 हमने क्या बताया आपको कि राइट टू वोट। आर्टिकल 326 के तहत हमें राइट टू वोट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 वर्ष से ज्यादा के लोग जो है वो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं वोट देकर, और इवन की विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं वोट देकर, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।